क्या कुछ उदास रहा है? सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 26 सितंबर का दिन पूरे देश भर में फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया थिएटर्स एसोसिएशन की तरफ से निर्णय किया गया है कि 26 सितंबर को हम लोग थिएटर्स डे मनाते हैं, ये पूरे देश भर में मनाया है। और ये जो झारखंड, इस प्रदेश की जो हमारी इकाई है झारखंड थिएटर्स एसोसिएशन, हम लोग भी पिछले 3 सालों से मनाते हैं, ये हमारा 4th साल। इस साल थोड़ी सी हर्ष की कमी ज़रूर थी क्योंकि अभी अभी हम कोरोना महामारी से जूझ कर आए हैं, लेकिन हौसला बुलंद है और एसोसिएशन होने के नाते हम सभी केटरर्स एक दूसरे को पारस्परिक सहयोग करके एक दूसरे को उबारने की कोशिश करें। सर, जिस तरीके से कोविड काल में हर केटरर्स की स्थिति खराब हुई है, तो एसोसिएशन क्या कुछ खास करने जा रहा है? एसोसिएशन में सभी तरह के केटरर्स हैं, तो जितने भी मजबूत केटरर्स हैं उन्होंने अपनी तरफ से निजी तौर पर छोटे केटरर्स को सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे। हम सरकार से 2-3 बार मिल भी चुके हैं, आगे भी हमारा प्रयास रहेगा। जैसा कि आपने देखा, हमने उनसे अपील किया, हम आगे भी उनसे मिलकर अपील करते रहेंगे कि ये जो शादियों में जो लोगों का कट ऑफ लाइन है उसको लिमिटेशन को हटा दिया जाए। स्कूल्स खुल गए हैं, दुर्गा पूजा की अनुमति मिल गई है, तो हमें लगता है कि बैंकवेट्स को भी और शादियों को भी फुल प्रेजर तौर से क्लाइंट की मर्जी के अनुसार होने दिया ताकि हम थोड़ा सा उभर सकें। सर, झारखंड राज्य में जो कैटरर्स हैं वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन कर रही है एसोसिएशन की तरफ से ये प्रयास है कि हम देश में और विदेश में जितने भी नए तरीके हैं, जो भी नई तकनीक आती है, हम उसको लाकर यहाँ पर बाकी कैटरर्स को भी दिखाएं और यहाँ की जनता को भी उससे अवगत कराएं, उससे रूबरू करवाएं। हम बहुत जल्दी इसी क्रम में एक एग्जीबिशन लगाने वाले हैं जो जहाँ की हम देश के विभिन्न बड़े बड़े स्टॉल्स वाले, जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, जो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स वगैरह बनाते हैं, उनको लाकर दिखाएं और फूड फेस्टिवल्स करें जहाँ की देश को, यहाँ की जनता को पता चले कि हमारे बाहर में कैसे कैसे खाना और क्या क्या तरीके से परोसा। कैमरे के लिए परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण सिंह है और मैं झारखंड के थिएटर एसोसिएशन से चीफ। थैंक यू सर। सर, जिस तरीके से रामेश्वर उराव ने भी आश्वस्त कर दिया है, दुर्गा पूजा भी लोग मनाने का के लिए तैयार है, सरकार ने भी अनुमति दे दी है, कैटरर्स के लिए क्या कुछ खास होगा एसोसिएशन के? देखिए, अभी उनसे हमारी जो संदेश हमको प्राप्त हुआ है उससे ये हुआ कि भाई कमिंग सीजन जो नवंबर से सारी स्टार्ट हुई उसमें जो गाइडलाइन है 100 लोगों का, वो ज़्यादा से ज़्यादा हमको लगता है 200-300 लोगों का कर ही देंगे। उससे हमारे इंडस्ट्री को एक नया आयाम होगा, हम लोग कुछ कार्य कर सकेंगे। पिछले 1.5-2 सालों से जो वेडिंग इंडस्ट्री पूरी तरह से बंद हो रखी है, लोगों को रोज़गार नहीं है, कुछ रोज़गार प्राप्त होगा। सर, झारखंड जो है वो डेवलपिंग स्टेट नहीं है फिलहाल देखा जाए तो, ऐसे में एसोसिएशन जो है वो क्या कुछ करने वाली है अपने एसोसिएशन को लेकर के? कैटर देखिए, हम लोग अभी जैसे सचिव महोदय ने बताया कि हम लोग फूड फेस्टिवल लगाएंगे, जो देश दुनिया में नया जो इक्विपमेंट्स है, तरीके हैं खान पान सेवा से रिलेटेड, हम यहाँ के लोगों को जागरूक अवेयरनेस कर रहे हैं। सर, एक सवाल और है, छोटे मोटे कैटरर्स जो है वो इसमें विलुप्त हो रहे हैं ऐसे परिस्थिति में जब कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे में एसोसिएशन जो है वो छोटे मोटे कैटरर्स के लिए क्या कुछ? देखिए, हमारे एसोसिएशन में कैटरर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सब समान वर्क से कुछ लोग छोटे अपने आप को महसूस करते हैं, कोई बड़े, ऐसा कुछ नहीं है। काम तो सबको है, छोटे कैटरर हैं वो 25-50 लोगों का काम कर रहे हैं, वो 1000 का भी काम करे, कैटरर एसोसिएशन उनको हर पायदान पर सपोर्ट करे। और एक संदेश मैं देना चाहूँगा कि कोरोना काल अब बीत गया है, लोग वैक्सीनेशन बहुत हो गया, इससे हमको नहीं लगता कि कोई तीसरा लहर भी आए। तो मैं लोगों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ कि मुश्किलें तो जिंदा लोगों के लिए होती हैं, वरना मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता भी छोड़ते हैं।